हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ के लड्डू, जिसे बनाने के लिए ना तो हमें घी की आवश्यकता है ना ही चाशनी की, और इसे खाते ही ये मुंह में घुल जाएंगे। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है, यह है एक कटोरी सफ़ेद तिल। एक कटोरी सफ़ेद तिल है तो हम लोग गुड़ भी एक ही कटोरी लेंगे, रेशो इक्वल होना है। एक कटोरी तिल्ली, एक कटोरी गुड़ और आधा कटोरी मूंगफली और आधा कटोरी सूखा नारियल, तीन चार हरी इलायची, हरी इलायची ऑप्शनल है। सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन और उसमें मैंने डाला है तिल्ली। तिल्ली डालकर धीमी आंच पर इसको हमें अच्छे से भुनना है। ये लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि ना तो इसमें हम लोग चाशनी बनाएंगे और ना ही घी का इस्तेमाल करेंगे। अभी तिल्ली काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं, मैंने निकाल ले रही हूँ। निकाल कर अभी सेम इसी पैन में मैं मूंगफली डाली हूँ। मूंगफली आधा कटोरी है, मैंने आधा कटोरी मूंगफली और आधा कटोरी सूखा नारियल घिसा हुआ यूज़ किया है। अगर आप सूखा नारियल नहीं यूज़ करोगे तो एक कटोरी मूंगफली यूज़ करना। अभी मूंगफली भुन गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। अभी मूंगफली काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया, मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। अगर मूंगफली गर्म रहेगा तो छिलका उतारने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए मूंगफली को ठंडा करके ही इसका छिलका निकालना है। छिलका निकालने के बाद अभी हम लोग छिलके को अलग कर लेते हैं। अब हम करेंगे आगे का प्रोसीजर। तिल्ली कूटने के लिए या तो आप मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं या पत्थर, जो आपके पास अवेलेबल हो या जिसमें आपको बनाने में आसानी हो। अभी मैं थोड़ा सा तिल्ली अलग करके बाकी की तिल्ली को मैं मिक्सी के जार में डाल के दरा ग्राइंड कर लूँगी। अगर हमारे पास टाइम है तो इन्हें पत्थर में कूट के बनाना चाहिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बट आज के बिजी शेड्यूल में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग मिक्सी का यूज़ करते हैं। अब ये ग्राइंड हो गया है, मैं इनको निकाल रही हूँ प्लेट में। निकाल कर सेम मिक्सी जार में मैं डाल रही हूँ मूँगफली। मूँगफली डाल के इनको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। अभी मूँगफली भी ग्राइंड हो गया है, इसको भी मैं डाल रही हूँ सेम उसी प्लेट में। मूंगफली को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और तिल्ली को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब सेम इसी प्लेट में मैं डाल रही हूँ गुड़ को। गुड़ को मैंने पहले ही अच्छे से क्रश कर लिया था, तोड़ लिया था। तोड़ने के बाद ये एक कटोरी गुड़ है। अब इसी में मैं डाल रही हूँ सूखा नारियल। सूखा नारियल जो गोल वाला नारियल होता है उसको मैंने खींच लिया था। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डाल के अब हम लोग इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि गुड़, तिल्ली, मूंगफली, नारियल सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करके अब हम इनका लड्डू बनाएंगे। अभी ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको लड्डू बनाने में भी परेशानी नहीं हो रही है। बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से आ रही है, लड्डू का शेप भी बहुत अच्छे से आ रहा है, बट इस लड्डू में थोड़ा सा दरदरापन रहेगा, मुँह में लगेगा। अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो आप इसको फिर से मिक्सी के जार में डाल के एक बार हल्का सा इसे एक राउंड घुमाना है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, अदरवाइज इसमें तेल छूटेगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। जस्ट हल्का सा घुमाकर इसका हम लोग लड्डू बनाएंगे। हल्का सा घुमाने से जो गुड़ है वो तिल्ली, मूंगफली और नारियल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी मैंने इसको एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, हल्का सा ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल कर अभी मैं इसकी फिर से लड्डू बना रही हूँ। उसके पहले मैंने इसमें डाला है तिल्ली, जिसे हमने निकाल के रख लिया था। इस तरीके से ऊपर से तिल्ली डालने से उसमें एक क्रंचीपन, एक नटीनेस आएगा, जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने सारी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से मिला लिया है। मिला के मैं लड्डू बना रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं लड्डू काफ़ी अच्छे से बन रहा है, बिना ग्राइंड किए भी लड्डू बन रहा था, ऐसे भी बन रहा है। अब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, और साइज़ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा भी बना सकते हैं। अभी एकदम परफेक्ट तिल्ली के लड्डू बन के रेडी हैं। मैं इसको रख रही हूँ प्लेट में, और इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे लड्डू भी बना लेंगे। ये तिल्ली के लड्डू खाने के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। इन्हें स्पेशली ठंड में, जनवरी के महीने में बना के खाया जाता है। ठंड में खाने से इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हड्डियाँ मजबूत होती है। ये स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब ये भी लड्डू बन गए। इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं। अब आप भी इस मकर संक्रांति ये टेस्टी हेल्दी तिल गुड़ या तिल्ली के लड्डू ज़रूर बनाइए। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।